कि ये जो सरकार है ना वादा खिलाफी सरकार है। इसलिए वादा खिलाफी है, अच्छे दिन लाएंगे वादा किए थे, 15 लाख रुपया जेब में भर देंगे वादा किए थे, याद करो। अच्छा 2 करोड़ नौकरी देगी वादा किए थे, किसानों की डबल इनकम करा देंगे वादा किए थे, C2+50% किया था ना, डिमोनेटाइजेशन और काले धन नहीं रहेगी वादा किए थे, एक साबित हुए हैं आज तक, एक सत्य हुए हैं, यह आपका फेलियर है, सरासर फेलियर है। डिमोनेटाइजेशन के चलते 15 लाख लेबर को 4 महीने के अंदर नौकरी चली गई, 10 हजार करोड़ लूट के 2016 में ये भागे। कोल इंपोर्ट स्कैम की बात आप करते थे ना, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे कोल मिनिस्ट्री में इतने सारे काम होते हैं कि इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं, और उल्टी तरफ कोल इंपोर्ट करना पड़ते हैं, किसके लिए कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, इसमें एक घोटाला है, इसको कहते हैं कि कोल इंपोर्ट स्कैम। आप या हम जो भी हो, यहां कभी मां के गर्भ में धारण किए थे, अपना अपना मां ने पाला पोसा बड़ा किया, यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद अगर हम लोग सारे अतीत को अस्वीकार करें, नकारते, तो लोग क्या कहेंगे? अतीत को भूलना नहीं चाहिए, मैं बताता हूं, आपने जरूर कुछ कमाया होंगे, लेकिन आपने जो कुछ कमाया उसमें घमंड ना कर, क्योंकि ये जो शतरंज की पारी है ना, शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे दोनों को डिब्बे में रख दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग घमंडी नहीं करते, आप घमंडिया बन चुके हैं। अच्छा हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू, ये सबको गाली देने में क्या फायदा है हमें, बताइए तो, वो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में, वो लोग नहीं है दुनिया में, ये परिवार को दिन रात गाली दे जाते हैं, ये सदन की लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह में गाली गाली गाली, क्या इसके इसको क्या हमारा मकसद क्या रहे? अब आप I simply we need to have an introspection into, आप बुरा ना माने मेरे बात पे, हम कौन सा परंपरा को अपनाते हैं, कौन सा शिष्टाचार को अपनाते हैं, ये मैं सोच रहा हूं आपसे, ये मैं साझा करना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए तो इंदिरा गांधी शहीद होने की 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान की थी, इवन आई डाइड इन द सर्विस ऑफ द नेशन आई वुड बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई एम श्योर दैट एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक। क्या गलत है बताइए तो, मौत होने की 2 दिन पहले यह कहती है बांग्लादेश बनाई, छाती पे गोली ली, शहादत ली, कौन सा पैसा कमाई उन्होंने, कितने करोड़ की मालिक थी, कितने पैसा कमाए बताओ आप लोग, सरकार में है 10 साल, अटल बिहारी जी की सरकार में 6 साल, कभी बता सकते कि आप लोग कि इतना पैसा कमाई इंदिरा गांधी ने, बताइए। अच्छा राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गई एंड ही वॉज वर्चुअली ब्लोन टू पीसेस, आतंकवाद ने मारा, गाली दे रहे हैं आप लोग। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार को पालन करें तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे बच्चे ने क्या कहेंगे हमें, ये मैं ये आपको कहना चाहते हैं। अच्छा ये जो नेहरू को गाली देता है ना, मैं नेहरू की एक बात आपको बताते हैं, देखिए 1954 21 जून
नेहरू जी की एक बात बताते हैं आप लोगों को, अबाउट 10 ईयर्स बिफोर ही पास्ड अवे नेहरू पेंड हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नेहरू जी की अंतिम विल और अंतिम चाहत को क्या थी जानते हैं? बताता हूं मैं। वो ये कहते थे, विल करके लिख दिया गया था, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद। मौत होने के बाद इलाहाबाद में जाकर हमारे एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जन देना, टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, समुद्र में चले जाएगी, दैट वॉशेस इंडिया सोल। सारे देश की हमारा जो तट है, ये तट को जो धोते हैं उससे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस बी कैरेड हाई अप इनटू द एयर, कुछ अस्थि ऊपर में ले जाना, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, ऊपर से छिड़क देना, ओवर द फील्ड्स, जमीन पे, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां हमारा देश की किसान मेहनत करते हैं, टॉयल, सो दैट दे मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा जो अस्थि आसमान से छोड़ के देना, जमीन पे गिरेगी, जहां हमारा किसान मेहनत करते हैं, हमारे किसान जहां मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिट जाना चाहते हैं, हमारा कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। अच्छा, ये कई अन्याय किया, ये भावना के चलते आज अगर हम लोग उनके गाली दे तो ये शोभा देगी? आप बताइए, तो आप बताइए, आप अपने दिल से पूछिए। श्वेत पत्र पर विषय रख दें, व्हाइट पेपर पर अपना एड्रेस कर दें। सर, आप अगर मुझे ब्लैक पेपर ऑन रिकॉर्ड रखने की मौका दे तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड अगर जमा करने की मौका दे, ब्लैक पेपर, आप तो बोल। अच्छा जी, बोलना तो बोल, दो चार मिनट बोलने दीजिए सर जी। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए, हम आज ये जगह आके पहुंचे ऐसा नहीं, आजादी की जंग लड़नी पड़ी, लाखों की तादाद में लोगों को जेल जानी पड़ी, शहादत लेने पड़ी, तब नहीं आप आजादी मिले, तब नहीं आप पहुंचे। आजादी की पहले हमारा वोट देने के अधिकार नहीं थे। अगर वोट देने का अधिकार हमें नहीं मिलते तो आपका नेता हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और हमको यह नुमाइंदे बन के भी नहीं आ पाते, तो उसको भी तो सराहना करना चाहिए था, है कि नहीं, बताइए। हम तो गद्दार नहीं होना चाहिए हमें, कोई हमारे लिए कुछ किया और उनसे हम गद्दारी कर, उनको ना माने, ये तो नहीं करना चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा 1947-48 में, हाँ ये सही है कि आजादी की जंग में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शहीद हुई थी, जिनको हम नेशनल आइकॉन मानते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, पॉलिटिक्स ऑफ कोऑप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ नार्सिसिज्म, ये आपका तरीका है। अच्छा 1947-48 साल में हमारा देश में पर कैपिटा इनकम क्या थी जानते हैं? 247 रुपीज, मान के चलिए। धीरे 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 2011-12 साल जब आके पहुंचा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते आ गया 64,361 रुपया। पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 65% इन 1956, 1956 साल में 65% लोगों को खाना नहीं मिलते थे, 11-12 साल में आते आते गिरते गिरते आ गया 21.9% पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु हमारा, जब आजाद हुई थी हमारा आयु थी 32 साल और 2011 साल में आयु बढ़ते 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 आ गया 67 साल, 67 ईयर्स। लिटरेसी रेट 1951 में हमारे देश में लिटरेसी रेट थी 12%, 2011 साल में आ गया 73%। तो ये तो हम ये अगर कहें कि 2011 साल में 73% थे, आपको फर्ज है इसको और बढ़ाना, आगे जो सरकार आएगी उसका भी फर्ज होगी उसके और आगे बढ़ाना। कभी हम रेडियो देखते थे, अब इंटरनेट देखते हैं, अभी इंटरनेट देखते हैं, कभी एआई के छत चलेंगे, रोबोटिक्स चलते हैं। अभी आज हम समय घंटा दिन रात में हम विभाजन करते हैं,
ऐसा समय आ सकते कि डिजिटली ये विभाजन होगी, ये दिन भी नहीं रहेगी, रात भी नहीं रहेगी, घंटे भी नहीं रह सकते। तो बदलना ये तो दुनिया के नियम होते हैं, तो इसके लिए हमारे प्रीडिसेसर को गाली देना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कल या 10 साल बाद आपको सत्ता में नहीं रहे आप, उस समय अगर सत्ता से जाने के बाद अगर हमारी तरफ से अगर और कोई दूसरे पार्टी सत्ता पे आए, उसकी तरफ से अगर एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, आपको अच्छा लगेगी? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए कभी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये कोई ना कोई, मान लीजिए आपका पिताजी जो काम किए हैं, अब बड़ा बेटा होने की नाते आपको और ज्यादा काम करने पड़ेगा, आपके बेटा और आगे जाएगी, ये तो नियम है, ये नियमों की परंपरा हमें मानना पड़ेगा। देखिए अग्रवाल साहब सर, यूपीए गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, एंश्योरिंग एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। Famine is now eradicated, with India achieving self-sufficiency in food grain production and becoming a significant agricultural exporter. National Food Security Act, implemented by UPA government, ensures the right to food for every individual. अगर सही बात बताऊं तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, वादा खिलाफी सरकार है। इसलिए वादा खिलाफी है, अच्छे दिन लाएंगे वादा किए थे, 15 लाख रुपया जेब में भर देंगे वादा किए थे, याद करो। अच्छा 2 करोड़ नौकरी देगी वादा किए थे, किसानों की डबल इनकम करा देंगे वादा किए थे, C2+50% किया था ना, डिमोनेटाइजेशन और काले धन नहीं रहेगी वादा किए थे, एक साबित हुए हैं आज तक, एक सत्य हुए हैं। आप बताइए, हम फिनांस मिनिस्टर जी है मैडम निर्मला सीतारामन जी को पूछेगी, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उस समय नगदी का प्रचलन था 16 लाख करोड़, अभी नगदी का प्रचलन बढ़ते 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 34 लाख करोड़ आप पहुंचे, क्या बताओ, क्या कहोगे आप? यह आपका फेल्योर है, सरासर फेल्योर है। डिमोनेटाइजेशन के चलते 15 लाख लेबर को 4 महीने के अंदर नौकरी चली गई, आपका हाफ हार्टेड जीएसटी 800-900 बार हो चुके हैं, कानून बदलते बदलते अब चलते हैं, यह हाफ हार्टेड थी। ये इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ग्रोन रिमार्केबली सिंस इंडिपेंडेंस, इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव रेल एंड रोड नेटवर्क कनेक्टिंग न्यूमरस विलेजेस एंड टाउन्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल वेदर रोड्स। इंडिया लीड्स इन मोबाइल सब्सक्रिप्शन ग्लोबली थैंक्स टू द टेलीकॉम रेवोल्यूशन इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये सही है गलत? ये सही है गलत बताइए। अच्छा ये पंचायत राज किसने लाए थे देश में? कांग्रेस बिलीव दैट इंक्लूसिव गवर्नेंस इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। महात्मा गांधी एनविशन पंचायत राज एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इन 1959 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लॉन्च नेशन वाइड पंचायत राज इन नागौर राजस्थान ऑन गांधी जयंती। प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी एम्फसाइज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत राज। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय अनदर स्टॉलवर्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल परमानेंट प्लीज लेट नरसिम्हा राव। व्हाइट पेपर तो व्हाइट पेपर 2004 से 2014 में जो आपने करना सुधा 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऐसे तो कांग्रेस का वी नाउ हैव नियरली 32 लाख ग्रास रूट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग अराउंड 14 लाख वुमेन मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये आईआईटी आईआईएम ये कौन सा किसका सोच थी बताइए? एजुकेशन में अगर हम लोग तरक्की ना करते तो आज डिजिटल इंडिया की सपना देख सकते?
ये लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म किसने किया? ये हरे क्रांति किसने लाई बताइए? आज हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, ये हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाई? कांग्रेस की जमाने में और स्वामीनाथन की योगदान ये हरा क्रांति सफल किया। ये कोई अस्वीकार कर सकता? कंक्लूड करें सर। क्या कंक्लूड करें सर? मैडम सीतारामन जी थी, इतने सारे भाषण दे चुके हैं। मैं सिर्फ सीतारामन जी से कहना चाहते कि आपने बहुत सारे स्कैम की बात किए हैं। मैं सर दो चार मुद्दा उठाऊंगा इसमें, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी, ये सीतारामन जी ये कोल इंपोर्ट स्कैम की बात आप करते थे ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे कोल मिनिस्ट्री में इतने सारे काम होते हैं कि इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुके हैं, और उल्टी तरफ कोल इंपोर्ट करना पड़ते हैं। किसके लिए कोल इंपोर्ट करना पड़ते है? इसमें एक घोटाला है, इसको कहते हैं कि कोल इंपोर्ट स्कैम। द कोल इंपोर्ट स्कैंडल स्टेमिंग फ्रॉम डिसम्बर 2021 ऑन करमाइकल कोल माइन इन ऑस्ट्रेलिया, डिस्पाइट इज ग्लोबल एनवायरमेंटल नोटोराइटी, द प्रोजेक्ट सिक्योर सिग्निफिकेंट लोन इंक्लूडिंग फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, द मोदी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज लाइक एनटीपीसी टू प्रोक्योर कोल परपोर्टेडली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ए पावर शॉर्टेज ऑफ अप्रैल 2022। सर मैं और एक घोटाले की बात करते हैं, सीतारामन जी जवाब देगी। उसका नाम है विजय मालिया लोन डिफॉल्ट, दस हजार करोड़ लूट के 2016 में ये भागे, डिस्पाइट एश्योरेंसेस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमें वादा किया था, डिस्पाइट एश्योरेंसेस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर टू ब्रिंग हिम बैक, नो एक्शन हैज बीन टेकन। 2012 में विजय मालिया को इन्होंने लोन दिया था सर, आईडीबीआई और ऑड मोर देन 10,000 करोड़ बाय किंग फिशर एयरलाइंस। ओके ओके कंक्लूड करें माननीय सर। सर बिल्कुल खत्म की कागर पे है सर। अच्छा दूसरे बात सर और 5 मिनट सर। अच्छा विजय मालिया के बाद आ गया नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एंड पीएनबी स्कैम। अच्छा इसके बाद आ गया जतिन मेहता एंड विनसम डायमंड स्कैम। उसके बाद आ गया कनिज गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टारलिंग बायोटेक लिमिटेड स्कैम, सबको पता है। उसके बाद आ गए रोटोमैक 10 फ्रॉड स्कैम। उसके बाद आ गए आईसीसीआई वीडियोकॉन फ्रॉड स्कैम। तो इतने सारे स्कैम लेकर आप किस पे दोषारोप करते हैं? अच्छा इसके पहले, अच्छा ये भी है, इसके पहले भी स्कैम की बात सुना करो। ओके यूटीआई सर, यूटीआई US-64 स्कीम एक घोटाला, किलोनी सर हो गया, किलोनी कोल स्कैम सर, 2 मिनट, किलोनी कोल स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम, इंडिया बराक 1 मिसाइल डील, तेल कास्टिंग ऑपरेशन स्कैंडल, भूल गया क्या? एनके प्रेमचंदन जी सर, उस समय हम भी उस समय सदन में थे। कॉफिन कैट स्कैम, भूल गया क्या? मैंने सर सबको एक छोटा सा सलाह दूंगा, ब्लास्ट जो भी करें हम, समाज में सोशल स्टेबिलिटी बरकरार रखना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते समाज में विभाजन करते हुए। 20 करोड़ मुसलमानों को आप धकेलते हुए, समाज से निकालते हुए देश की तरक्की नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल स्टेबिलिटी सोशल कोहेशन, सोशल पीस, दीज आर द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। कोई कहता है कि राधा की चुनरी बेगम सलमा ने सीती है। मैंने सुना है रफी साहब महफिल में रघुपति राघव गाता था। मैंने सुना है पंडित प्रेमचंद ईदगाह बच्चों को सुनाता था। ये देश को आप बनाता है। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।